दोस्तों डांस यार देखो, अगर तुम्हें इंस्टाग्राम पर डांस करते हुए फेमस होना है देन होम इज नॉट अ ग्रेट प्लेस, डांस क्लास इज नॉट अ ग्रेट प्लेस, इवन अ डांस स्टेज इज ऑल्सो नॉट अ ग्रेट प्लेस। सबसे बढ़िया जगह है रेलवे स्टेशन एंड ट्रेन, वेर यू कैन लूज योर ब्रेन एंड डू वट एवर यू वॉन्ट, लाइक हाउ लाइक दिस। अरे चाचा संभल के, कहीं छोकरी के चक्कर में नौकरी ना चली जाए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, ये तो ऑलरेडी बिगड़ी हुई है, कहीं आपका धंधा ना बिगाड़ दे। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। पर यार पुलिस वाला भी क्या करे, है तो लड़का ही, सामने पड़ी रसमलाई को कौन छोड़ता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौट आऊ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। जय जय सी की एक लड़की ने पुलिस की वर्दी का अम्मा बहना एक कर दिया। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। वो अलग बात है कि चाचा को नाचते नाचते खुद का सस्पेंशन ऑर्डर देखना पड़ा। क्या जब व्हाट डू आई थिंक, यार ये सब काफी लेट शुरू हुआ। अगर ये राजा महाराजाओं के टाइम पे होता तो वो कोठे में जाके बर्बाद नहीं हुए होते। बेचारी आंटी तक को डरा दिया, ये पीछे हट सत्यानाश हो तेरी अदाओं का। दीदी की फ्लेक्सिबिलिटी के आगे हजारों नौरा बोरा में पैक होके बिक जाएगी। मेरा लगता है भाई कि मेट्रो में कैमरा लगाओ और जो भी ऐसी अदाएं करते हुए पकड़ा जाए उसे पूरा हफ्ता मेट्रो साफ कराओ। उसे जब पहली बार, तू नारी नहीं पिशाचनी है पिशाचनी। ये ना मेरे को ऐसे ट्रेन में दिख गई ना तो मैं पक्का ऐसे धक्का दूंगा। लिटरली इसका डांस देखने से अच्छा मैं पटरियों में कूद जाऊं। ले गई दिल का चैन करार, ले गई दिल का चैन करार। बहन तेरे पीछे जो सारे लोग बैठे हुए हैं ना, उनके शक्ल को देखकर लग रहा है कि वो चैन करार में नहीं चैन खींचने की फिराक में है। पहले गाड़ी रोकेंगे और फिर इस मुर्गी का बंदर डांस। अरे रे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। और मुझे पता है कि ट्रेन से निकलने के बाद स्टेशन पे तू बंदर डांस ही करेगी। बहन आई नो कि तू पागल है, लेकिन सबके शरीर पे ऐसा कूद क्यों रही है? लगता ही है पागल हो गया। मेरे पे गिरती ना भाई तो मैं ऐसा थप्पड़ लगाता। नहीं डरती है तभी तो तू ऐसी बकलोली कर रही है। पक्का इसको ट्रेन के टीडी ने ट्रेन के शौचालय से निकाला होगा। लबों का तो पता नहीं, लेकिन तू अभी लोगों के पैर छू रही है और ये देखने के बाद कोई भी बड़ा बुजुर्ग तेरे को अपने पैर ना छूने दे। एंड जैसी कि ये सब करने के बाद इसको अवार्ड मिल रहा है। जस्ट इमेजिन कि किसी ने देखा कि इस बंदी को अवार्ड मिल रहा पर उसे पता नहीं है कि ये करती क्या है। देन वो जाएगा इसके इंस्टाग्राम पर और वहाँ पर उसको मिलेगा ये। एंड डोंट वरी, ऐसे नमूने और भी है। पीछे वाला चाचा जो ऐसे गौर से लेट के देख रहा है ना, चाचा ने डिसाइड कर लिया होगा कि अब से अपन साइड स्लीपर का ही टिकट लेगा। हाय हाय, इतना सुकून। फायदा ही फायदा है भाई, एक टिकट में सफर के साथ मुजरा फ्री। और मैंने जितना रिसर्च किया मेरे को पता चला कि ट्रेन में ऐसी बकलोली सिर्फ लड़कियां ही कर रही है, वो भी कुछ कुछ तो ग्रुप में। ये देखने के बाद आई एम कंफ्यूज्ड कि यार इसे मैं रेलगाड़ी कहूँ या फिर मालगाड़ी। साले तू बड़े, यार इस गाड़ी का नाम क्या होना चाहिए, छपरी गर्ल एक्सप्रेस? छापरी। वो पीछे से झाल मुड़ी वाला भी कह रहा होगा कि मुन्नियों तुम लोगों का मुजरा खत्म हो गया तो मेरे को धंधे में ध्यान देने दो, मेरा धंधा खोटी मत करो। ओ, सरक सरक उधर। वैसे भी मैं जब भी घर के बाहर जाता हूँ तो भाई इतनी धूप इतनी गर्मी होती है कि मेरा पूरा चेहरा टैन कर जाता है और मेरे को चाहिए ग्लासी स्किन,
वो कोरियन मॉडल्स वाली। अब इसके लिए मैं अपने घर वालों की तरह चावल को पानी में भिगो के उस पानी को मैं अपने चेहरे पे लगाऊं, भाई मेरे से ये नहीं होने वाला। इसलिए यार मैं यूज करता हूँ मामाअर्थ का राइस वाटर डेवी सनस्क्रीन, जिसमें है SPF 50। इसके अलावा इसमें है नायासिनमाइड, जो कि तुम्हारे डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है। बस तुम्हें काम करो मामाअर्थ के राइस वाटर फेस वॉश के साथ, इसे 7 से 20 दिन यूज करो, तुम्हें भाई मिलेगा ग्लासी स्किन। बाकी तुम्हें तो पता है कि मामाअर्थ के किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता है, और ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल, मामाअर्थ के वेबसाइट, मामाअर्थ के ऐप और तुम्हारे लोकल स्टोर ऑफलाइन भी। यूज करो मेरा कूपन कोड 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड मामाअर्थ वेबसाइट एंड ऐप, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। पहले ना भाई डांस एक आर्ट, एक कला हुआ करता था, लेकिन अब इनको देखकर काला धब्बा लग रहा है। और ये लड़के पोजीशन भले ही बदल ले, लेकिन इनका म्यूजिक नहीं बदलने वाला। बंदियों ने लिटरली रेल के डब्बे को खेल का डब्बा बना दिया। कैसे हो सकता है, ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। रेलगाड़ी रेलगाड़ी ना होकर बाप का घर बन गया है। अपने बाप का, अपने बाप का ना सब छोड़। सिर्फ आगे वाली का डांस डांस लग रहा है, वरना बाकी सबका तो ड्रामा। और इनका भी यार वो दिन दूर है, जैसे छपरियों ने KTM को छपरियों की बाइक बना दी, वैसे ही कुछ ट्रेन को लोग मुजरा एक्सप्रेस कहेंगे, रेलगाड़ी को मालगाड़ी, एसी कोच को बार डांसर कोच। लोग आगे चल के यही सब कहने वाले हैं। कुछ भी। और तुम लोग भली आगे की छपरियों को देख रहे हो, मेरा ध्यान तो यार वो पीछे मिरर वाली पे है। पीछे देखो, पीछे। वो मिरर वाली लड़की भले ही कुछ लोगों को दिखी हो, लेकिन ये सबको दिख रही है। कैसे न बंदी पूछ रही है कि ये अंकल ऐसे स्माइल क्यों दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि अगर वो अंकल प्लेन का टिकट लेते तो भी उन्हें ऐसा आरामदायक सफर नहीं मिलता जो उन्हें 30 रुपए के ट्रेन के टिकट में मिल रहा। ये आराम का मामला है। वो तो बस साइड एंगल से ऐसे ऊपर नीचे निहार रहा है, और वो अगले बार भी टिकट लेगा, बिकॉज ही नोस कि तू अगले बार भी ऐसी आई की नाचेगी। पीछे वाला बंदा भले UPSC की तैयारी ना कर रहा हो, लेकिन UPSC क्लियर करने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज चाहिए, फोकस, उसके लिए ये एलिजिबल है। मजबूती देख रहे लौटने की। वही इसके पीछे वाला बंदा पिछवाड़े का ऐसे वीडियो बना रहा। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? करेगा क्या भाई तू ऐसे वीडियो बनाकर, कहाँ डालेगा, किसको दिखाएगा? साला कुछ भी करता है ये ना भाई। वही लोग जो इंस्टाग्राम के कुछ पेजेस को जाके वीडियोस बेचते हैं, और वो फिर पोस्ट करके लिखते हैं वहाँ पर गेस हु, और हो सकता है कि इसका वीडियो भी कोई बॉलीवुड का पेज जाके खरीद ले, बट इसका तो कोई नहीं खरीदेगा। तू पहले जाके ट्रेन की इन्फॉर्मेशन ले, क्योंकि अटेंशन तो ट्रेन में डांस करके भी मिल जाएगा। हाँ। पक्का इसको पता भी नहीं होगा कि ट्रेन किस रास्ते जाने वाली है। आया सीन सम गर्ल्स जो कि लोगों के सामने ऐसे सेल्फी भी नहीं ले पाती। एक सेल्फी लेने में तो तुम्हारी गर्दनें टेढ़ी हो जाती, और इसका टपा टप चल रहा। ये सब करने के लिए ना भाई अलग ही कॉन्फिडेंस एंड गट्स चाहिए। कॉन्फिडेंस इफ़ ना, ये वही लड़की है जो कुछ साल पहले अब्बू के लुंगी में डांस करेगा के गाने पर डांस कर रही थी। तेरा अब्बू का लुंगी में केला मिलेगा, हमसे भिड़ेगा झमेला मिलेगा। पहले अब्बू की लुंगी में डांस कर रही थी, और अभी लुंगी पहले लोगों के सामने ट्रेन में। वहाँ के पसीना तू पीछे तेरे पीछे आंदे होया महीना तू वो सेल्समैन भी भाई परेशान हो गया कि यार छोकरी मेरे को रास्ता दे, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। इतना कॉन्फिडेंस सिर्फ तभी आता है जब तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब हो गया हो। मेरा दिमाग खराब मत कर। बंदी चाहती तो ओनली लेडीज कंपार्टमेंट में ऐसे जाके डांस कर सकती थी, लेकिन इसको पता है कि वहाँ पर ना लोगों का टेंशन मिलेगा और ना व्यूवर्स का। You are right, bro. और अंकल अभी यहाँ पर आके अटेंशन ही दे रहे, बिकॉज उनको भी पता यार कि इनका रील के लिए ऐसे ट्रेन में आकर मुजरा करना रोज का है। साले मजाक बना के रखते हो। वो अलग बात है कि सोफिया अंसारी का डांस देखकर इनको खोफिया हो जाएगा।
वैसे देखो सोफिया, ये सब हरकतें तुम्हें ट्रेन में करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना वही रूम में एक वीडियो बनाओ, लड़के वायरल कर ही देंगे। लड़कों से याद आया, तुम्हें पता है लड़के ये सब हरकतें ट्रेन में क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके साथ ये हो जाता है। यही अगर लड़की कर रही होती तो चाचा का मूड कुछ और ही होता। इज बी लाइक, छोकरी तू कर जो कर रही, मेरे को तो मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बंदे ने लोगों को बातों में उलझाने की जगह हाथों से उलझा दिया। टैलेंटेड बनने निकला था, हूतिया बन गया। मैं पागल हूँ। पागल तो भाई ये लोग भी है। ये आँखें, ये मस्ती, ये पायल। भाई ये देखकर पता चल गया ना कि रेलवे स्टेशन को मुजरा स्टेशन बनाने में कोई भी जेंडर पीछे नहीं रहेगा। नो डाउट बंदों का डांस अच्छा है, लेकिन जगह खराब। कयामत, यही तो कयामत है। अगर इस बच्चे के बाप ने इसका वीडियो देख लिया ना, तो अगले दिन से ये रेलवे स्टेशन के जगह पर आंगनवाड़ी में मिलेगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। बाकी ना तुम लोग ये वाला वीडियो देखो, जहाँ पे मैंने बताया कि कैसे कुछ लोग फेक हिंदू बनके सोशल मीडिया पे तुम्हारा काट रहे हैं। एनीवे यार, मेरे को लगता है कि आज के लिए इतना काफी होगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके मेरे को इंस्टाग्राम पर आके फॉलो करो और मैसेज करो। इस वीडियो के जाने के 4 घंटे के अंदर जितने भी लोग मेरे को मैसेज करेंगे, सबका मैं रिप्लाई दूंगा, प्रॉमिस। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।